मेरा नाम जगदीश है। मैं सहायक आचार्य के रूप में कार्यरत हूँ राजकीय महाविद्यालय अटरू में, और आज मैं बीए थर्ड ईयर के पार्ट पेपर टू पर हम डिस्कस करेंगे। इसमें पहला चैप्टर है भारत की विदेश नीति। जब हम किसी भी देश की विदेश नीति की बात करते हैं तो उससे पहले उसकी परिभाषा, भारत विदेश नीति से तात्पर्य है किसी देश की ऐसी नीति जिसके माध्यम से वह अन्य दुनिया या अन्य देशों के साथ अपने संबंध स्थापित करता है ताकि वह अपने नागरिकों के हितों की पूर्ति और राष्ट्र हितों की पूर्ति कर सके। इस संदर्भ में अगर हम देखें तो बहुत सब जो कौन कौन से विदेश नीति के निर्धारक तत्व हैं, उसमें पहला निर्धारक तत्व है भौगोलिक अवस्थिति। भौगोलिक अवस्थिति की अगर बात करें तो भारत की भौगोलिक अवस्थिति दो प्रकार की है। पहला तो हिमालय पर्वत की तरफ से वो घिरा हुआ है जिसको मतलब प्राकृतिक प्रहरी माना जाता है भारतीय राष्ट्रीय हितों का, भारतीय रक्षा का, सीमाओं की सुरक्षा का। दूसरी बात करें जनसंख्या, तो जनसंख्या बड़े आकार है भारत की जनसंख्या का। तीसरा टॉपिक है हिंद महासागर। हिंद महासागर भारत का एक ये भी सुरक्षा का कार्य करता रहा है हिंद महासागर, और ये माना जाता है कि के एम पड़ीकर ने बोला था कि जब तक भारत का जो ऑटोनॉमी थी वो हिंद महासागर पर बनी रही तब तक उसने उस पर अपना अधिकार नहीं खोया था। इस प्रकार अगर हम देखें तो हिंद महासागर की सुरक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत की विदेश नीति के लिए। जिस प्रकार विदेश अगर हिंद जैसे तटीय सुरक्षा या सीमा सुरक्षा अगर कमजोर होगी तो बाह्य खतरे और बाह्य हमले बहुत आसानी से हो सकते हैं किसी भी देश के ऊपर, जैसा कि हमने 2008 में मुंबई में बम ब्लास्ट देखा। उसका बड़ा कारण हमारी सीमा सुरक्षा या समुद्री सुरक्षा, ये एक बड़ा कारण था। अगला है भारत की कृषि योग्य भूमि। कृषि योग्य भूमि किसी भी देश की जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक होता है। अगर कृषि योग्य भूमि कम होगी तो उस क्षेत्र की जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की समस्या आएगी। जैसा कि हमारे यहाँ 1965 के आसपास हमने खाद्यान्न संकट देखा था, उसकी मुख्य वजह क्या थी, क्योंकि हमारे पास बेहतर अनाज और कृषि की जो आवश्यक चीज़ें होती हैं वो नहीं थी, इसलिए हमारी काफ़ी आबादी भूख की वजह से चिंतित या पीड़ित थी। अगला टॉपिक आता है संसाधन। संसाधन किसी भी देश की व्यापार और उद्योग की स्थिति को दिखाते हैं कि उसकी औद्योगिक स्थिति कैसी है और उसका व्यापार किस प्रकार से होगा। तो ये हो गया पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक है इसमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की अगर बात करें तो भारत की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वो सहयोग, सामंजस्य, वसुधैव कुटुंबकम, पंचशील, इन सिद्धांतों पर आधारित रही है, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि भारत की जो वर्तमान विदेश नीति है या जब स्वतंत्रता के बाद विदेश नीति का निर्धारण हुआ तो उसमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के मूल्यों को उसमें जगह दी गई, जैसे कि उस पर हम बाद में डिस्कशन करेंगे। तीसरा टॉपिक आता है सेना। किसी भी देश की जो सेना है वह उसकी विदेश नीति का निर्धारण करती है। जैसे हम देखें कि अगर सेना किसी देश की मजबूत है, उसके पास हथियार अच्छे हैं, तो उसकी स्थिति है इस देश की, उस देश का डोमिनेंस है वो ज़्यादा होगा कंपेरेटिवली अन्य देशों के। जैसे कि रूस का अगर हम डोमिनेंस देखें तो वहाँ पर संसाधन कम है, उसके बावजूद भी सेना मजबूत है, इसलिए वो कोल्ड वॉर जैसी स्थिति हमें देखने को मिली। तीसरा चौथा टॉपिक है आंतरिक राजनीति। किसी भी देश की आंतरिक राजनीति उसकी विदेश नीति को प्रभावित करती है। जैसे अगर भारत के संदर्भ में देखें तो जैसे बांग्लादेश के साथ, नेपाल के साथ और श्रीलंका के साथ हमारी जो आंतरिक राजनीति को प्रभावित करती रही है इन देशों के साथ संबंधों को, जैसे तमिल मुद्दे को लेकर के तमिलनाडु सरकार हमेशा सरकार पर दबाव बनाती रही है कि हमें किस प्रकार की विदेश नीति अपनानी चाहिए श्रीलंका के साथ। अगर और दूसरी तरफ अगर हम देखें बांग्लादेश के साथ, तो पश्चिम बंगाल सरकार भी अनेक मुद्दों पर हमारी भारत सरकार के ऊपर दबाव बनाती रही है कि हमें जल समझौता किस प्रकार करना चाहिए, साथ इस तरह के कई मुद्दों की बात होती रही है। अगला टॉपिक है नौकरशाही। नौकरशाही किसी भी देश की विदेश नीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और खास करके भारत की विदेश नीति की अगर बात करें तो नौकरशाही की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। क्यों? क्योंकि भारत की विदेश नीति में का जो निर्धारण करते हैं वो नौकरशाह करते हैं। जैसे कि पीएमओ के अंदर पीएमओ भी काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है विदेश नीति के निर्माण में, जैसे में ब्यूरोक्रेट्स ही होते हैं। दूसरी तरफ अगर जैसे देखें विदेश मंत्रालय के कई सारे अम्बेसडर और दूत होते हैं जो भारत के दुनिया के अन्य देशों में कार्यरत होते हैं, जो भारत के राष्ट्र हितों की सुरक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला टॉपिक आता है राष्ट्रीय हित।
राष्ट्रीय हितों की बात करें तो किसी भी देश के ऐसे हित जो उसकी दीर्घकालीन और अल्पकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति करते हों वो उसके राष्ट्रीय हित कहलाते हैं। जैसे राष्ट्रीय हित किसी भी प्रकार के हो सकते हैं और वो उनकी कोई सीमा नहीं होती। जिस प्रकार अगर हम देखें कि अमेरिका के जो राष्ट्रीय हित थे वो इराक तक और अभी एशिया पैसिफिक तक विस्तृत हो गए, इसी प्रकार भारत के राष्ट्रीय हितों को अगर हम देखें तो पहले पड़ोस तक ही सीमित थे, वो अब बड़े लेवल पर बढ़ रहे हैं। जैसे एक्सटेंडेड नेबरहुड की हम बात कर रहे हैं तो इसकी वजह है कि हमारे राष्ट्रीय हित विस्तृत हो रहे हैं। अगला टॉपिक आता है विचारधारा। विचारधारा की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसी भी देश की विदेश नीति के निर्धारण में। जिस तरह से हमने कोल्ड वॉर के दौर में देखा कि अमेरिका और रूस के बीच में जिस तरह के संबंध थे और कोल्ड वॉर जैसी स्थिति हमें देखने को मिली, उसका प्रभाव कहीं ना कहीं भारत की विदेश नीति पर भी पड़ा। भारत की विदेश नीति समाजवाद की तरफ झुकी हुई दिखाई देती है, उसकी वजह क्या है, विचारधारा को भी एक महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। अगला टॉपिक आता है डायस्पोरा। डायस्पोरा आज के समय में विदेश नीति का महत्वपूर्ण निर्धारक होता जा रहा है, क्योंकि डायस्पोरा के माध्यम से किसी भी देश के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति उस क्षेत्र में की जाती है। जैसे भारत की बात करें तो भारत का दुनिया में सबसे बड़ा डायस्पोरा है जो यहाँ भारत के लिए एक बड़ा रेमिटेंस का काम करता है, फॉरेक्स रिजर्व मजबूत होता है, बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित होती है भारत सरकार को। दूसरा है कि भारत सरकार के जो भारत के जो राष्ट्रीय हित हैं उनको उनमें अभिवृद्धि करते हैं जो नागरिक भारत के दूसरे देशों में निवास करते हैं वो ओवर डायस्पोरा, और वो भारत के हितों की रक्षा करते हैं। जैसे अगर हम देखें पाकिस्तान के साथ मुद्दा या कश्मीर के मुद्दे को लेकर के अरब देशों ने शुरुआत में हमारा सपोर्ट नहीं किया, लेकिन हमारे डायस्पोरा ही वह वजह था जिसकी वजह से भारत को इन देशों का सपोर्ट मिलता रहा। और आज के दौर में भी किसी भी देश ने कश्मीर के मुद्दे पर किसी भी अरब देश ने इस पर आपत्ति नहीं खड़ी की, उसकी वजह है भारत का डायस्पोरा, क्योंकि बड़ी संख्या वहाँ पॉलिसी मेकिंग और पॉलिसी में दबाव बनाने का काम लॉबिंग का कार्य डायस्पोरा के लोग करते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि अनेक देशों में भारत के जो व्यक्ति हैं वो बड़े बड़े प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और कई मंत्री जैसे पदों पर कार्यरत हैं। तीसरी बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका में भी भारत का जो 1-2-3 समझौता हुआ था न्यूक्लियर डील थी उसमें भी डायस्पोरा की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है, क्योंकि उसमें लॉबिंग की गई भारतीयों के द्वारा जिसके माध्यम से भारतीय हितों की रक्षा की जाती रही है। लेकिन अब हम बात करेंगे भारत की विदेश नीति के निर्धारक, इससे हम समझ गए कि भारत की विदेश नीति कैसी होगी। अगले टॉपिक पे हम बात करेंगे भारत की विदेश नीति की विशेषताएं, कि भारत की विदेश नीति की कौन कौन सी विशेषताएं हैं।